सबसे पहले चीज हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले देखते हैं कि उस कंट्री का कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा हेल्प कर रहा है उसके इकोनॉमी में, ठीक है। उसके बाद इस फनल के थ्रू एनालाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मैंने आपको 7th एपिसोड में बताया था कि हम लोग देखते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो हम लोग देखते हैं 3rd स्टेप में। तो ये 3 स्टेप होते हैं, अगर ये 3 स्टेप आपने सही से फॉलो किए तो आप 99% अच्छा रिटर्न ही कमाएंगे। हे ऑल, दिस इज योर बॉय बीटेक कॉमर्स वाला, और आज मैं एसेट ग्रो वैल्यू इन्वेस्टिंग सीरीज के 8th एपिसोड के साथ आपके सामने आ गया हूं, जिसका नाम है वैल्यू इन्वेस्टिंग फनल। जैसे कि मैंने अपने पिछले एपिसोड्स में बहुत बार बात करी है कि अगर आपने किसी कंपनी के स्टॉक्स को, किसी कंपनी के शेयर्स को मेरी फनल के थ्रू एनालाइज किया होगा तो वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छी ग्रोथ देंगे और वो लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न लाकर देंगे आपको। सो इस वीडियो में मैं आपको एक आउटलाइन दूंगा कि मेरी फनल क्या है, और इसके बाद वाली वीडियो में मैं एक एक टॉपिक पर जो कि फनल्स में होंगे उस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग फनल के ऊपर एक आउटलाइन में आपको बताऊंगा और कैसे इस फनल से आप कंपनी को एनालाइज करेंगे, ठीक है। फनल के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ जो आपको फनल के बारे में जानने से पहले पता होनी ही चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज की वैल्यू इन्वेस्टिंग में टाइम लगता है, जो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भी आज सीख रहे हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग से। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि आपने फनल सीख ली तो आपको तुरंत ही वैल्यू इन्वेस्टिंग आ जाएगी, ये बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और आपको लगातार सीखना पड़ेगा और एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है इसमें। जितना ज्यादा आप इससे एनालाइज करके कंपनी के स्टॉक्स को बाय करेंगे और जितना ज्यादा एक्सपीरियंस आप लेंगे स्टॉक मार्केट और बाकी फाइनेंशियल मार्केट में उतना ज्यादा ही आप सीखेंगे, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि इससे आपको आ गया, ये बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और आपको सीखते ही रहना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की आपको इसी फनल को फॉलो करना है किसी भी कंपनी को एनालाइज करते टाइम, क्योंकि हम लोग जो मेन चीज करते हैं वो ये होती है कि 6000 से ज्यादा कंपनियां हैं और आप कैसे एक ही कंपनी को एनालाइज करेंगे। तो पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि हम लोग करते क्या है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो में बाद में बनाऊंगा। तो मेन पर्पस ये होता है कि हम लोग पहले सेक्टर वाइज एनालाइज करते हैं, जैसे बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं तो पहले देखा जाता है कौन सा सेक्टर सबसे अच्छा चल रहा है उस कंट्री में, जैसे मानिए एग्रीकल्चर सेक्टर है या कोई भी सेक्टर है, तो पहले हम देखते हैं कि उस कंट्री की ग्रोथ किस सेक्टर की वजह से ज्यादा हो रही है, कौन सा सेक्टर ज्यादा परसेंटेज में रिटर्न ला रहा है, कौन सा सेक्टर उस कंट्री की इकोनॉमी बढ़ाने में सबसे ज्यादा हेल्प कर रहा है, ठीक है। ये मेन चीज हम लोग देखते हैं, उसके बाद उस सेक्टर में इस फनल के थ्रू एनालाइज करते हैं कि अच्छा ये सारी कंपनियां हैं उस सेक्टर में, उसका हम एनालाइज करते हैं कि हम लोगों की बेस्ट कंपनियां कौन सी होगी उस सेक्टर में जिससे हम लोग ज्यादा रिटर्न कमा पाए, ये मेन निर्भर होगा। और ऐसे ही हम लोग कंपनी को एनालाइज करते हैं। सो आई थिंक मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए, अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ, एक आउटलाइन दे देता हूँ फनल के बारे में। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूँ एक फनल का आउटलाइन दे देता हूँ कि इस फनल में क्या होगा। सबसे पहली चीज आइडियाज। आइडियाज कैसे? आइडियाज ये जैसे देखिए आपके चारों तरफ आइडियाज है, जैसे एप्पल का मैकबुक है मेरे पास और एसर का लैपटॉप, फास्टैग की घड़ी और ऑनर का मोबाइल, ये जितनी चीजें हैं जितनी कंपनियां हैं आपके पास आसपास, ये सारे आइडियाज हैं और इस पर बहुत डिटेल में बात करेंगे हम लोग जब आइडियाज की एक मैं वीडियो बनाऊंगा। इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आइडियाज ढूंढते कैसे, ये सारी चीजें पे डिटेल में बात होगी। पर सबसे पहले चीज ये थी कि आइडियाज, ठीक है। उसके बाद सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस। सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस मतलब ऐसा कौन सा बिजनेस है वो सारे आइडियाज में से जो आपको समझ में आता है, जो आपकी थिंकिंग के साथ कोलाइड करता है, और अगर आपको उस कंपनी का ऑनर बनाया जाए तो आप वो बिजनेस करना पसंद करेंगे, ठीक है। ये मेन चीज होती है सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस की, आपको कौन सा बिजनेस समझ में आता है, ठीक है। वो सारे आइडियाज में ऐसे छाटे जाते हैं कि आपके हिसाब से कौन सा आइडिया सही है, ठीक है। आइडियाज में आगे सारी कंपनियां जो आपके आसपास है, सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस में वो बिजनेस आ गए जो आपको समझ में आते हैं, ठीक है। तीसरा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मतलब फंडामेंटल एनालिसिस। ये मैं आपको डीपली बताऊंगा कैसे कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे मोड के बारे में। मोड यार 3 से 5 तरह की होती है और मोड देखी जाती है किस कंपनी में कितनी ज्यादा मोड है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वैल्यू इन्वेस्टिंग का और उस पर डिटेल में बात करेंगे, और बहुत ही अच्छी चीज है, ये आपको एनालाइज करनी आनी चाहिए किसी कंपनी में, क्योंकि अगर आपको उस कंपनी को पता चलेगा कि इस कंपनी में ये मोड है, क्योंकि एट द एंड मोड बहुत मैटर करती है, ठीक है। क्योंकि अगर उस कंपनी में मोड है तो आगे जाकर वो अच्छा ही करेगी, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू वाले। इसके बारे में मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया है इंट्रिंसिक वैल्यू की। एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल मैं आपको बता देता हूँ कि ये अप्रोक्सीमेशन पर निकाली जाती है, ठीक है।
तो अगर इसको 100 के 100 लोग निकालेंगे तो 100 के 100 लोगों की अलग आएगी इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेशन पर निकाली जाती है, बट अप्रोक्सीमेशन भी एक्यूरेट लिए जाते हैं, और कैसे निकाली जाती है मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, इंट्रिंसिक वैल्यू के बाद ही हम लोग मार्केट प्राइस पर खेलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जैसे मैंने आपको 6 एपिसोड में बताया था उसके लिए गाइड बटन में आ जाएगी, उसका एक कॉन्सेप्ट था। अब इंट्रिंसिक वैल्यू मानो 1000 है कंपनी की, ठीक है, मतलब उस कंपनी के एक शेयर की वैल्यू 1000 है, ठीक है। अब उसकी मार्केट प्राइस इस टाइम पे 500 चल रही है, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब उस कंपनी की एक्चुअल औकात उस एक शेयर की, तो एक्चुअल जो उसकी वैल्यू है वो 1000 है और अभी चल रही है 500 पे, तो ये बहुत अच्छी कंडीशन है बाय की। आपको जितने ज्यादा पॉसिबल हो आपको उतने शेयर्स बाय करने चाहिए, ये मेन प्रिंसिपल होता है। बट ये लास्ट में देखते हैं, पहले ये पूरी फनल हम लोग लगाकर देखते हैं, उसके बाद ये प्रिंसिपल लगाते हैं, ये मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में बताया था, ठीक है। तो ये थी इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब कि इतना क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखें कि अगर मार्केट गिरे भी तब भी आपका नुकसान ना हो। जैसे 1000 की है इंट्रिंसिक वैल्यू, 500 का मार्केट प्राइस है, तो जैसे ये 500 का डिफरेंस आ गया इनकी वैल्यू में, ये हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कि इतनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है आपकी, ठीक है। तो हम लोग कुछ मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकर ही चलते हैं, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का प्रिंसिपल। बट एक चीज इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, जो आजकल का वर्ल्ड है, उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी रख पाना बहुत ही बार मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ही अच्छी कंपनियों के शेयर्स ज्यादा पर भी मिलते हैं आपको, पर उनकी उतनी वर्थ होती है, ठीक है। तो आपको ज्यादा पर खरीदना भी चाहिए, ठीक है। तो कुछ केसेस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी का प्रिंसिपल उतना सही नहीं होता प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर आप रख पाएंगे तो बहुत ही सही चीज होती है, ठीक है। तो उसके बाद जो बात होती है वो होती है मार्केट प्राइस के बारे में, कि मार्केट प्राइस इस टाइम करंट क्या चल रही है, मैंने आपको समझा दिया वैसे, और इसकी पहली वीडियो में भी बताया था, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग ये सारे पैरामीटर्स को एनालाइज कर लेते हैं अपनी कंपनी को, फिर हम लोग डिसीजन लेते हैं कि आपको इन्वेस्ट करना है उस कंपनी के शेयर्स खरीदने की ऐड टू वॉच लिस्ट, मतलब देखते रहना है, बीजी से एनालाइज करते रहना है, जब कम होगा और तब खरीद लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जब आप उस कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं तो आपको डिसाइड करना होता है कि सेल कब करना है, ये भी बहुत बड़ा रूल है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत बार लोग जल्दी सेल कर देते हैं इस उसमें कि क्या पता गिर जाए, बहुत बार ऐसा होता है क्या पता वो शेयर अपनी एक्चुअल वैल्यू से 200% ऊपर जाए, 1000% ऊपर जाए, तो बहुत बार लोगों को ये नहीं पता होता है कब सेल करना है। तो सेल वाली वीडियो जब मैं आपको बनाऊंगा तो उसमें भी आपको मैं डिटेल बताऊंगा कि ये कैसे देखा जाता है और मेनली प्रिंसिपल्स क्या होते हैं ये डिसाइड करने के, कि हाँ अब टाइम आ गया है सेल करने का, ठीक है। तो ये पूरी अपनी फनल होगी, ये छोटी सी वीडियो थी, मैंने आपको हर चीज डिटेल में बता दी है, अभी एक आउटलाइन दिया है, इन सब के ऊपर डिटेल में वीडियो बनेगी आगे आने वाले लेक्चर्स में। मेरे चैनल पे और भी काफी सीरीज आ गई, वो भी आप जाकर देख सकते हैं, और अगर इस वीडियो से कोई भी वैल्यूएशन हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। चलिए अब चलते हैं।